की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा। यदि तो एक सीधा सीधा सवाल आता है करियर काउंसलिंग की बात है, करियर की करें अपन पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे पढ़ाई, क्यों कर रहे पढ़ाई, नॉलेज को तो कुछ कोई काम करिए, क्या काम में आने वाला है, क्या काम आएगा नॉलेज, अच्छा ये बता दो, अच्छा डाल रहे नॉलेज को, नॉलेज के लिए पढ़ रहे तो आप नॉलेज में आंसर दिए नहीं मुझे, कहाँ से नॉलेज की बात कर रहे थे। अब ये भी बच्चा जो आया है, अच्छा मुझे नाम से याद नहीं आया, फोर्थ सेम के बच्चा है जिसने ए टू जेड अच्छे से आंसर दिए और टेक्निकल आंसर दिए, इसको लड़की है नॉलेज की तो नहीं पढ़ रहा यार। चलिए और बताइए ग्रेजुएशन क्यों कर दिया, तुम क्यों कर रहे ग्रेजुएशन, डिग्री के लिए, सही बात आए जवाब, आप क्यों कर रहे डिग्री के लिए, नौकरी के लिए कोई नहीं कर रहा, नौकरी के लिए कोई नहीं कर रहा भाई, मुझे क्या करना है जिंदगी में, कमाना है कि नहीं कमाना, मतलब हमारा 5 साल बाद 10 साल बाद का एम क्या है, नौकरी करना है ना, जब नौकरी करना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना है तो डिग्री चाहिए, डिग्री के लिए पढ़ना है, पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, डिग्री के लिए पढ़ना है, क्योंकि नौकरी करने जाओगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, जब ग्रेजुएशन ही नहीं है तो आपकी नौकरी आपको नहीं देगा। आज की डेट में मार्केट में इंजीनियर घूम रहे हैं, तुम लोग तो बीसीए बीएससी बीकॉम और बीए वाले बच्चे हो गए, फिर तुम्हें कौन पूछेगा, पूछेगा कोई, तो हमें बस क्या स्किल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बीसीए कर रहा है ना, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर का नॉलेज मेरे पास होना चाहिए। तुम लोग को लगता है तुमने कितना पढ़ा आता है, नौकरी लग सकती है क्या आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, मैं आपको बता दूं बीसीए के बाद 100% नौकरी लग सकती है आपकी, कल एमेजॉन में भोपाल में 250 लोगों